आज के वीडियो में हम 121 के प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो, क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लिख देते हैं हम प्राइम नंबर के। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब 121 के पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फिर खुद ब खुद हमको प्राइम फैक्टर पता चल जाएंगे। तो 11 से कटेंगे, 11 का स्क्वायर होता है तो 11 से 121 होता है। ठीक है, फिर मैं इसको 11 से फिर काटूँगा 110। अब जो भी इसके फैक्टर में प्राइम नंबर हो, मैंने उस पर टिक किया, और टिक करने के बाद उनका आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, और रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए मुझे वापस से? 121। इसका मतलब मेरा प्राइम फैक्टर जो मैंने बनाया था वो एकदम सही है, और 11 11 इसके प्राइम फैक्टर हुए 121 के।